जी अच्छा, आवाज़ आप लोगों को अगर ना आ रही हो तो उसी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये देखिए, यहाँ हमने माई लिस्ट का जो वेरिएबल है, माई लिस्ट का जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है लिंक्ड लिस्ट क्लास के लिए, इसका हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं पुश बैक। पुश बैक फंक्शन के अंदर हम क्या चीज़ पास करवा रहे हैं, एक न्यू एलिमेंट यानी न्यू नंबर, या हम यहाँ पर कोई भी करेक्टर भी पास करवा सकते थे। ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ हम कोई भी न्यू एलिमेंट पास करवा सकते हैं। यहाँ हमने 10 पास करा दिया पहले, तो 10 यहाँ पर एज अ किसके रेफरेंस दिया हुआ है, ये देखिए न्यू एलिमेंट। ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ से यहाँ तक का पुश बैक का, इसके अंदर हमने क्या चीज पास कराई हुई है, न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट किस तरह आ रहा है, ये नोड क्लास को कॉल कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए, हमने ये न्यू नोड का एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या चीज जा रही है, नोड कॉमा न्यू एलिमेंट। नोड कहाँ है, अब आप देखें, ये री नोड की क्लास। ठीक है, इसमें क्या चीज जा रही है, पास हो रही है डेटा। डेटा क्या है, एज अ डेटा जा रहा है ये न्यू एलिमेंट। ठीक है, अब आप जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे पास करवाएंगे वो एज अ न्यू एलिमेंट जाएगी, और न्यू एलिमेंट के अंदर वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जब ये और अच्छी तरीके से आपको कब समझ आएगा, जब हम इसको इंडेक्स वाइज सेव करवाएंगे, यानी हम जब अपनी मर्जी से किसी भी इंडेक्स के ऊपर इसको सेव करवाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी यहाँ तक सिर्फ देख लें कि यहाँ पर पहली सिर्फ कंडीशन ये, इफ की कंडीशन क्या चेक कर रही है, कि अगर तो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है तो क्या कर दो, अगर तो लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है, कुछ भी इसमें स्टोर नहीं है, 5 10 कुछ भी नहीं है, तो क्या कर दो, उसके हेड के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर दो। सेल्फ डॉट हेड यानी कि लिंक्ड लिस्ट का जो हेड है, ये हेड है ना स्टार्टिंग, इसी में। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं भाई, इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल इक्वल टू नन यानी कि हेड एम्प्टी है, तो क्या कर दो, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड में जो भी यूजर ने नोड इंसर्ट करवाई है, सही। अगर तो ऐसा नहीं है, वहां पर कोई एलिमेंट है, तो क्या करो, सपोज कर लेते हैं ये 5 10 20 और 1 मौजूद है, तो फिर क्या करो, आपका कर्सर 5 से यानी हेड से कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, लास्ट नोड पर। लास्ट नोड आपको कहाँ तक कैसे पता लगती है, जब आपके पास नोड का जो नेक्स्ट है, नोड डॉट नेक्स्ट जो है वो क्या हो, नल, तो वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, आप क्या कह देंगे भाई, हेड को आपने सेव करवा दिया है टेम्प के अंदर, टेम्प वेरिएबल के अंदर, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, सिर्फ इसलिए ताकि आप ये आइटरेशन परफॉर्म करके यहाँ तक लास्ट नोड तक पहुँच सकें। और यहाँ आपने क्या कह दिया, वाइल का लूप लगाया है और क्या कह दिया है कि भाई टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नन ना हो जाए। ठीक है, नन का मतलब है यहाँ पर जब तक कि नल की कंडीशन पे ना आ जाए, तब तक क्या करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी हेड के अंदर, हेड हमारे पास टेम्प है ना, इसको क्या कर दो, इसका नेक्स्ट चेक करो, नल है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करो, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये 10 वाला हमारे पास नोड। अब टेम्प हमारे पास 5, ये हेड की बजाय क्या हो चुका है, 10। तो सेकेंड टाइम चेक करेगा ये कि भाई टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल है, 10 के आगे का हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, इसका ये जो नेक्स्ट एरो पॉइंट कर रहा है, ये नल है, नहीं नल तो नहीं है, क्या है, 20 है। फिर क्या करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट यानी अब टेम्प 10 वाले नोड से हटके कहाँ आ जाएगा, 20 पे। फिर इस नोड को चेक करेगा कि टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन है, अगर नन नहीं है तो फिर दोबारा से टेम्प इक्वल टू टेम्प का टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट। फिर यहाँ पर चेक करेगा 1 के आगे जो नेक्स्ट है वो नल है, हाँ अब नल है, तो अब नल है, तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, अपनी न्यू नोड या न्यू एलिमेंट जो है उसको सेव
सेव करवाने, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, हम कह देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी टेम्प हमारे पास अब ये वन वाला नोड है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या सेव करा दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस वन के आगे जो हमारे पास एक न्यू नोड है उसका एड्रेस पॉइंट कर रहा है डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट जो नेक्स्ट एड्रेस है उसमें क्या सेव कर दो, न्यू नोड जो यूजर ने एंटर करवाई है, ठीक है, यही काम हमने यहाँ पर किया। ये सिर्फ हमने पुश बैक का फंक्शन यूज किया है अपने माई लिस्ट की क्लास के अंदर से, माई लिस्ट ये लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर पुश बैक का फंक्शन है, ठीक है, ये हमने यूज किया है। अच्छा, हम एक काम करें, मैं आप लोगों को ये वाला कोड शेयर करता हूँ, पहले आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके जरा देखें, अगर ये आप लोगों को एग्जीक्यूट करने के बाद भी खुद से समझ नहीं आता तो फिर हम इसको आगे देखते हैं। या एक काम करते हैं, इसके अंदर आपके लैब मैनुअल में एक और एग्जांपल गिवन है, अभी तक हमने ये आपको वैसे समझ आ गया ना कि किस तरह काम हो रहा है, कि स्टार्टिंग आपके पास जो नोड है वो हेड होगी, ठीक है, और हम हेड हमारे पास किसको पॉइंट कर रहे हैं, नेक्स्ट को, ठीक है, जब तक हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट हो रहा है वो नल नहीं हो जाता, यानी हमारे पास नोड्स आगे मौजूद हैं, तो हमने पहली एग्जांपल में क्या किया पुशबैक के अंदर, हाँ थियोरेटिकली समझ आ गया, एग्जांपल जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। अगर तो हमारे पास कैसे पता लगेगा कि लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है अगर जो हेड है वो नल है, तो ये हमने कंडीशन यहाँ गिवन, ये देखें सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन, यानी कि हेड में ही कुछ नहीं, तो अब जो न्यू नोड होगी वो कहाँ जाएगी, हेड में जाएगी ना, वो यहाँ हमने कह दिया सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, अगर तो हेड के अंदर कोई चीज मौजूद है आगे एलिमेंट्स में भी कोई चीजें मौजूद हैं, तो क्या करो आपका कर्सर आगे लेके जाओ, आगे कैसे लेके जाओगे, हेड डॉट नेक्स्ट जो है टेम्प एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, ठीक है, टेम्प एक पॉइंटर क्रिएट कर लो, और वो पॉइंटर क्या करेगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प कर देगा, फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, कब तक करता रहेगा जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है, यहाँ पर यही काम हमने किया है कि हमने हेड को सबसे पहले कहाँ सेव करवा दिया टेम्प में, ठीक है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हमने क्या करते रहेंगे एक एक करके कर्सर आगे जाता रहेगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, हेड वहीं रहेगा, सही, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये कर्सर आगे मूव होता रहेगा, जैसे ही नेक्स्ट हमारे पास नल हो जाएगा तो हम लास्ट में अपनी न्यू नोड को सेव करवा देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसी के अंदर एक और काम करना हो वो क्या है कि मैं यहाँ पर, अच्छा ये चीज समझने के लिए, अब अगर आपके पास ये लिंक लिस्ट एक क्रिएट हो गई है सपोज 5, 10, 21, अगर मुझे इस पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना हो तो किस तरह करेंगे, कि मैंने एक प्रिंट का फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर, डेफिनेशन प्रिंट, और इसमें से सेल्फ दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा प्रिंट लिस्ट का, इसमें हमने पहले दे दिया है टेम्प इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, यानी एक टेम्प वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या दे दिया है हेड, स्टार्टिंग इस लिस्ट का हेड दे दिया, ठीक है, और हमने एक इफ की कंडीशन लगा दी है कि इफ टेम्प यानी हेड जो है वो नॉट इक्वल्स टू नन है, यानी कि उसमें कुछ ना कोई चीज मौजूद है, कब होगी नॉट इक्वल्स टू नन, जब उसमें कोई ना कोई आइटम हेड में मौजूद होगा, है ना, तभी हमारे पास हेड नन नहीं होगा, तो क्या करो प्रिंट कर दो द लिस्ट कंटेन, और आगे गैप दे दो, जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द लिस्ट कंटेन, यहाँ गैप दिया हुआ है, अब ये 10, 20, 30 हमारे पास लिस्ट में स्टोर है ना, ये किस तरह प्रिंट हो रहा है, इफ की कंडीशन के अंदर अगर नल नहीं है एम्प्टी नहीं है तो यहाँ आ गया जो व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नन, टेम्प का क्या मतलब है हेड, टेम्प में हमने क्या स्टोर करा है हेड, हेड नन नहीं है, हेड में वैल्यू है तो क्या करो
प्रिंट टेम्प डॉट डेटा। टेम्प के अंदर दो चीजें थी ना हमारे पास, एक डेटा था और एक उसका नेक्स्ट था, टेम्प डॉट नेक्स्ट। यानी अगर यहां तुम लोग देखो, ये देखो यहाँ पर सेल्फ डॉट डेटा और सेल्फ डॉट नेक्स्ट है ना, तो हमने डेटा को प्रिंट करवा दिया नोड के, टेम्प डॉट डेटा प्रिंट कर दो और उसके बाद गैप दे दो। फिर टेम्प को कहाँ ले जाओ, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कर्सर को नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे ले जाओ, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। फिर दोबारा आएगा, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नन तो नहीं है, नहीं, फिर क्या करो, टेम्प डॉट डेटा प्रिंट कर दो। और कब तक करते रहो, जब तक टेम्प यानी कि जो हमारे पास अब कर्सर है वो उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो नन नहीं हो जाता, और टेम्प जो बजाते खुद है वो भी नन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इस फंक्शन को तुम लोग किस तरह प्रिंट करोगे, प्रिंट लिस्ट नाम है ना इसका, तो यहाँ तुमने क्या कह दिया, माई लिस्ट, यानी ये लिंक लिस्ट क्लास का फंक्शन है ना, तो वो माई लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा होगा। मैंने कह दिया माई लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट, तो पूरी लिस्ट अभी तुम्हारे पास लिंक लिस्ट जिस भी कंडीशन में है, यानी 10, 20, 30 उसमें इंसर्ट हो चुका, तो वो तुम प्रिंट करवा दो। अब इसमें अगर मुझे अभी तक मैं क्या कर रहा था, एलिमेंट को एट दी एंड आखिर में जाके सेव करवा रहा था, अगर मैं किसी एक गिवन इंडेक्स के ऊपर सेव करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये देखो एड्रेस दे देंगे, बिल्कुल सही मेरे साथ सारे ने बिल्कुल सही बताया कि हम इसका एड्रेस दे देंगे, यानी वही वाला पुश वाला ही काम करेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा चीज दे देंगे। जैसे हम यहाँ पर पुश बैक में क्या कर रहे थे, पुश बैक के फंक्शन में सिर्फ न्यू एलिमेंट दे रहे थे ना, अब हम दो चीजें दे देंगे, न्यू एलिमेंट यानी एलिमेंट भी दे देंगे और पोजीशन भी दे देंगे कि हमें किस पोजीशन यानी किस एड्रेस पे जाके अपनी वैल्यू सेव करवानी, सही है, बाकी वही काम होगा, सिंपल सा है ये। ये देखें यहाँ मैंने कमेंट्स में दे दिया कि इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, वही फंक्शन उसी तरह का आप बनाएंगे, बस मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, पुश ऐड कर दिया इसको, पुश बैक की वजह, यानी अब ये किसी भी, अगर मैं चाहूँ 10 वाली जगह पे यानी सेकंड एलिमेंट पे मैं अपनी एक वैल्यू प्लेस कर दूं और बाकी 10, 20 और 1 आगे चले जाएं, उसके लिए क्या होगा, मैंने यही दो एलिमेंट पास करवा दिए, न्यू एलिमेंट और पोजीशन, ठीक है, जो यूजर, दोनों चीजें यूजर देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया है, न्यू नोड इक्वल्स टू, वही काम किया जो हमने न्यू नोड एक क्रिएट की थी, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड और उसमें न्यू एलिमेंट जाएगा, और साथ में जो यूजर ने यहाँ पर पोजीशन दी होगी उस पर मैंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है, इफ पोजीशन इज लेस देन 1, इसका क्या मतलब है, यानी जो यूजर ने पोजीशन दी है वो लेस देन 1 होने का मतलब है कि 1 पोजीशन ये हेड होती है ना, 2 ये है, 10 है, 3 20 है, 4 ये 1 एलिमेंट वाली पोजीशन, तो अगर लेस देन 1 है इसका मतलब कि वो पोजीशन ही गलत दे रहा है, तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा भाई, पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर तो पोजीशन एलिफ पोजीशन 1 है, यानी कि जो वो वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो पोजीशन 1 पे होगी यानी हेड पे होगी, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, यानी जो हमारे पास हेड है ना उसको कहाँ सेव करवा दूंगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पे, यानी न्यू नोड जो यूजर ने दी है उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड को, तो अब यहाँ हेड हमारे पास यहाँ से निकल के यहाँ पीछे आ जाएगा और यहाँ पर एक न्यू नोड इंसर्ट हो जाएगी और उसको अब हम क्या कह देंगे, हेड, यानी ये देखिए सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। अगर तो वो 1 पोजीशन पे भी इंसर्ट नहीं करवा रहा तो फिर क्या होगा, वो आगे किसी पोजीशन 2, 3, 4 पे करवा रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो else temp equals to self dot head, यानी जो यूजर ने self dot head का क्या मतलब है, जो हेड है उसको आपने टेम्प में सेव करा दिया, यानी कि इनिशियल आपका
पॉइंटर्स, और उस टेम को अब आप क्या करेंगे, आगे ट्रेवर्स करेंगे, कहाँ तक आपने लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलना है आपने, वन से यानी वन इंडेक्स से हेड से पोजीशन माइनस वन, यानी अगर उसने कहा है कि भाई मुझे फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट या फोर्थ पे इंसर्ट कराना है, या सपोज थ्री पे इंसर्ट कराना है, थ्री कौन सा है, ये 20 वाला सपोज, तो 20 वाले का क्या मतलब है कि आप कहाँ पर जाकर अपना पॉइंटर को लेके जाएंगे, वन से स्टार्ट करेंगे पोजीशन माइनस वन, पोजीशन उसने दी है थ्री, तो थ्री माइनस वन टू, ये टू तक जाएगा कर्सर आपका, यहाँ क्या होगा फर्स्ट टाइम में चलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा इफ टेम्प नॉट इक्वल टू नन, यानी अगर हेड आपके पास जो है ये नन नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो आप क्या करें टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट दे दें जो अभी हमने पहले किया, यानी ये एक दफा आगे चला जाएगा, ठीक है। और ये कब तक ये वाला फॉर लूप चलता रहेगा, और इसमें एक ये इसकी कंडीशन चलती रहेगी जब तक आपके पास टेन नन नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इफ टेन नॉट इक्वल टू नन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करेंगे, न्यू नोड को, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प पे नेक्स्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है उसमें आप न्यू नोड को इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। इसको भी हम ज़रा रन करके देखते हैं, फिर मैं आपके साथ ये ज़रा कोड शेयर करता हूँ, आप लोग भी खुद उसको एग्जीक्यूट करके देखें। कुछ ऐड का एक फंक्शन बना दिया हमने, पर तो हम रन करते हैं ज़रा, हाँ मैं आपके साथ कोड शेयर कर देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास पहले लिस्ट थी जिसमें मैंने तीन एलिमेंट्स इंसर्ट कराए थे, उसके बाद यहाँ मैंने पुश ऐड का फंक्शन चलाया, यानी पुश ऐड के अंदर हम दो चीज़ें पास करवा रहे हैं ना, जैसे पुश बैक में तो सिर्फ हम एक एलिमेंट पास करवा रहे हैं, पुश ऐड में हम क्या कर रहे हैं एलिमेंट भी दे रहे हैं और साथ में उसकी पोजिशन भी, यानी टू पोजिशन। अब यहाँ पर 10, 20, 30 में देखो टू पोजिशन क्या है, ये 20 वाली है ना, तो अब यहाँ पर हमने 100 वैल्यू पुश करवाई है, उसके बाद हमने वापस से प्रिंट किया अपनी लिस्ट, तो यहाँ पर क्या आ गई है 10 वही है, टू पोजीशन पे हमारे पास ये 100 आ गया जो हमने यहाँ पुश करवाया था, और बाकी जो 20 और 30 है वो आगे मूव कर गया जिसमें अभी हमने अपने लूप के थ्रू करवाया। फिर हमने क्या किया, वन पोजिशन के अंदर हमने 200 पुश करवा दिया, अब करंट लिस्ट हमारे पास ये थी, तो वन पोजिशन में हमने 200 करवा दिया, और बाकी सब लिस्ट 10, 100, 20, 30 ये आगे मूव फॉरवर्ड हो गया। अब ये मैं आप लोगों के साथ ज़रा कोड शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको खुद भी एग्जीक्यूट करके देखें, ठीक है, और फिर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ये आपको LMS पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी जो है ना ये .py फाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, डायरेक्ट आप लोग इसको गूगल कोलैब के ऊपर रन करके देखें, ठीक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये आपके LMS के ऊपर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिंक लिस्ट एग्जाम्पल के नाम से एक फाइल अपलोड कर दी है, इसमें ये दोनों एग्जाम्पल गिवेन है, ठीक है, तो आप लोग आराम से रन करके देखें, और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आई हो तो फिर मुझसे आप लोग वापस ज्वाइन करके पूछ लीजिएगा, तब तक हम 20 मिनट का 30 मिनट का चलें ब्रेक ले लेते हैं, 11 बजे तक आप लोग दोबारा रीज्वाइन करें, ठीक है।
वैसे कोड कोई शेयर करते तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन हो रही है तो इसलिए मैंने आज आप लोगों से तरतीब कर दिया है कोड शेयर, बाकी आप लोग खुद भी इसको एग्जीक्यूट करके देखें, ठीक है। बाकी 11 AM पे आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करें, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, अटेंडेंस जो है ना वो जिस जिस की हो गई है उसके ठीक है, जिन जिन की नहीं हुई थी अगर उन्होंने चैट में शेयर कर दी है अटेंडेंस तो उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और अब एक ही सेशन की अटेंडेंस लेंगे, इसी पे आप लोगों की दोनों मार्क हो जाएंगी, सेकेंड हम दोबारा से अटेंडेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से, और शिज़रा पूछ रही है सर, पोजीशन -1 वैसे ही वर्क करेगा ना जैसे लेंथ -1 होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, पोजीशन हमने जो यहाँ पर रखी हुई है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर, वो कौन सी पोजीशन डिफाइन कर रही है, वो पोजीशन है जहाँ पर हमने अपना एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लेंथ की जितनी हो सकता है लेंथ हमारे पास 10 हो, लेकिन हम 4 पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन -1 हम क्यों करते हैं, ताकि हम अगर 4 पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो हमारा पॉइंटर जो टेम्प हमने वेरिएबल पॉइंटर के तौर पे क्रिएट किया है, वो टेम्प एक पहले ही रुक जाए, ठीक है, एक एड्रेस पहले ही रुक जाए, यानी 4 पे इंसर्ट करवाना है तो टेम्प हमारे पास कौन से एड्रेस पे हो, 3 पे, ठीक है। जब 3 पे होगा तो हम क्या कहेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है, यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, 3 का नेक्स्ट 4, तो उस 4 के ऊपर आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट करवा दें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं पोजीशन -1, आप कह सकते हैं कि ये लेंथ -1 की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तक अभी जो मैंने आप लोगों को ये एलएमएस के ऊपर एग्जाम्पल शेयर की है इंसर्ट वाली, तो आप लोगों ने एग्जीक्यूट करके आई थिंक देख ली होगी और थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है लिंक लिस्ट आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हमने ये इंसर्ट करवाई थी वैल्यूज, दो तरीके की हमने इंसर्शन की है, एक पुश बैक यानी कि लास्ट एलिमेंट जो है उस जो वहां पर हमने लास्ट एड्रेस के ऊपर हमने अपनी नोड को इंसर्ट करवाया, एलिमेंट को इंसर्ट करवाया, और दूसरा हमने क्या किया पुश एड का एक फंक्शन क्रिएट किया था, वो क्या कर रहा था भाई, उसके अंदर हम एक वैल्यू भी पास कर रहे थे जो पुश करवानी है, और एक पोजीशन यानी किस पोजीशन पे, अगर 1 पे 2 पे 3 पे, अगर 20 एलिमेंट है हमारी लिंक लिस्ट में तो उसमें से 3 वाली जगह पर आप 3 वाले पोजीशन पे कोई वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज एक एक फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था पुश एड, जिसमें हम नंबर भी दे रहे थे कि 100 पुश करवाने हैं और पोजीशन क्या है 2, यहाँ 200 पुश करवाया था और पोजीशन क्या थी, तो ये दो तरीके की हमने इंसर्शन देखी है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब अगर हमें डिलीशन करनी हो तो डिलीशन के लिए भी सेम बिल्कुल वैसे ही टास्क परफॉर्म होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। वैसे ही आप ये देखें मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ, बिल्कुल सेम एज इट इज वही नोड की क्लास, अच्छा है तो वही पुरानी भी क्रिएट यूज कर सकते हैं, इसी के अंदर आप एक सिर्फ डिलीट का मेथड क्रिएट कर दें, मैंने यहाँ पे चूंकि इसको दोबारा से कर दिया, वही सेम नोड की क्लास क्रिएट की है, लिंक लिस्ट की एक क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या फंक्शन है भाई, एक पुश बैक का है जो क्या कर रहा था एट द एंड आपके पास लास्ट नोड के ऊपर वैल्यू को पुश करवा रहा था, वो ये डेफिनेशन आपके पास गिवेन है, ये भी हमने देख भी ली थी। असल कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, डिलीट, जिस तरह आप इंसर्ट करवा रहे थे
सेम एज इट इज आप डिलीट कर रहे हैं। डिलीट किस तरह, अगर हमें डिलीट करनी हो कोई वैल्यू, कोई नोड फ्रॉम अ गिवन पोजिशन, यानी अगर यूजर हमें एक पोजिशन देता है कि आप इस पोजिशन के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको डिलीट कर दें, तो हमें कितने वेरिएबल, कितने यहाँ पर पैरामीटर चाहिए होंगे? एक ही चाहिए होगा ना, क्योंकि इंसर्ट करवाते वक्त तो हमें वैल्यू भी चाहिए थी और पोजीशन भी, लेकिन डिलीट करवाते वक्त हमें क्या चाहिए होगी? सिर्फ पोजीशन चाहिए होगी। अब वहां पर वैल्यू कुछ भी हो, 100, 200, 300, हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए है, वहां पर जो भी एलिमेंट हो उसको डिलीट करवा दिया। तो हम यहाँ पर हमने पॉप एट के नाम से एक फंक्शन बना दिया। पॉप क्या होता है भाई? स्टैक वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसके अंदर पॉप क्या होता है? पॉप डिलीट का काम करता है ना, तो हमने यहाँ पर उसको डिलीट के नाम से भी आप फंक्शन बना सकते हैं, मैंने पॉप के नाम से बनाया था। आपने यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल पास करवा दिया है जो कि है पोजीशन, यानी यूजर आपको सिर्फ एक पोजीशन देगा कि इस पोजीशन से आपने वैल्यू को डिलीट करना है, वो भले वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, इस फंक्शन में हम अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले हमने एक इफ की कंडीशन दे दी है, चेक कर लो कि भाई इफ जो यूजर ने पोजीशन दी है वो लेस देन वन तो नहीं है, यानी जीरो पोजीशन तो नहीं, जीरो तो पोजीशन है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास पोजीशन स्टार्ट हो रही है, हेड जो है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ फोर तक जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो वन से लेस है तो बोल दो कि भाई पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। एल्स इफ में क्या है, पोजीशन अगर तो वन है, यानी पोजीशन वन है, यानी कि हेड है हमारे पास जहाँ पे आपने वैल्यू डिलीट करनी है, एंड एंड क्या करता है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी लाजमी है, पोजीशन वन भी है एंड सेल्फ डॉट हेड, यानी कि हेड जो है वो नन भी नहीं है, यानी यूजर ने जो पोजीशन दी है वो पोजीशन वन है और वन पे हेड हेड होता है ना, वन पे वो एम्प्टी भी नहीं है। ऐसा हो सकता है यूजर वन दे दे लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू हो ही नहीं, ठीक है, जीरो क्यों नहीं रखते लाइक इंडेक्स? इंडेक्स जो जीरो होता है ना वो हमने नहीं रखा हुआ था, वो बेसिकली एरे का बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉन कंटीजियस मेमोरी है और एड्रेसेस जो आपके पॉइंट करें, जैसे कि एड्रेस नेक्स्ट जो आपके पास एक वेरिएबल है या बाकी सारे हैं, वो एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, वो हेक्साडेसिमल कोई एड्रेस होगा, ठीक है, वो कोई इंडेक्स नहीं है जिसको हम जीरो या वन दे सकें। तो यहाँ पर ये सिर्फ हम एलिमेंट्स का नंबर बता रहे हैं कि कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एल्सिफ में क्या गिवन है कि अगर तो पोजीशन वन है एंड हेड नन भी नहीं है, यानी कि एम्प्टी भी नहीं है हमारे पास हेड, हेड में कोई वैल्यू भी है और जो पोजीशन भी है वो वन है, तो आप क्या करो, डिलीट करें ना, हमने एक वेरिएबल बना दिया नोड टू डिलीट के नाम से, आप कुछ भी NTD बना लें या डिलीट बना दें, मैंने नोड टू डिलीट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया है। ये इसमें क्या सेव होगा, क्योंकि हम हेड से डिलीट कर रहे हैं तो हमने क्या दे दिया उसमें सेल्फ डॉट हेड, यानी हेड को कहाँ सेव करवा दो, नोड टू डिलीट। अब नोड टू डिलीट कौन सी है, हेड, क्योंकि यूजर ने जो पोजिशन दी है वो है वन, वन पे तो हेड होता है तो हम वन को डिलीट करेंगे जो वन नोड है, ठीक है, फर्स्ट नोड है। यहाँ हमने कहा सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू, यानी अब हेड को आप चेंज कर दो किस पे, सेल्फ डॉट हेड किसके बराबर हो जाए, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, यानी अब ये हेड था ना 5 हमारे पास, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो अब हेड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हमने क्या कह दिया, सेल्फ डॉट हेड, यानी हेड किसके बराबर हो गया, हेड डॉट नेक्स्ट के, ठीक है, हेड का नेक्स्ट क्या था 10, तो अब हमारे पास हेड क्या है 10, उसके नेक्स्ट क्या है 20 और उसका नेक्स्ट क्या है 1, और ये 5 रिमूव हो जाएगा। तो अब नोट टू डिलीट जो हमारे पास थी उसको हमने क्या कह दिया है, नन, नन का मतलब ये अब हमारे पास यहाँ से डिलीट हो गई नोट, और अब हेड हमारे पास किसको पॉइंट कर रहा है, इस 10 को, इस लाइन, अगर आपको ये लाइन समझ आ जाती है तो आपको समझ आ जाएगा, यानी सेल्फ डॉट हेड क्या था, 5 वाली वैल्यू थी, इंडेक्स वन था, है ना, तो अब इंडेक्स वन था सेल्फ डॉट हेड, तो उसको हमने सेल्फ डॉट हेड को हमने किसके बराबर कर दिया है, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब है, इस हेड का नेक्स्ट क्या है 10 वैल्यू, यानी कि 2 इंडेक्स, तो अब हेड जो कि 1 था वो अब हेड क्या हो गया है 2, ठीक है, समझ गए।
और जो आपने नोट टू डिलीट के अंदर हेड रखा था पहले ये वाला, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने नन कर दिया। इस क्वेरी आइटरेशन से आपके हेड पे जो भी वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एल्स एल्स की एक कंडीशन गिवन, अगर तो यूजर ने पोजीशन वन भी नहीं दी, अगर उसने कोई आगे की पोजीशन दी है कि भाई ये पोजीशन टू में से जो भी वैल्यू है डिलीट कर दो, पोजीशन थ्री में से, नाइन में से, तो आप क्या करेंगे, तब आपके पास ये वाला एल्स ब्लॉक रन होगा, ये वाला एल्स ब्लॉक रन होगा। जिस तरह आप इंसर्ट करवा रहे थे वही काम डिलीट के लिए होगा। आपने टेम्प एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट किया, उस पॉइंटर में आपने क्या दे दिया भाई, इनिशियल वैल्यू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, यानी वो सबसे पहले हेड को पॉइंट करी। अब यहाँ से आइटरेशन स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, जो भी पोजीशन यूजर ने हमें डिफाइन किया, तो हमने यहाँ पे लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज वन, यानी वन पोजीशन से चलेगी हेड से, कहाँ तक जाएगी, पोजीशन माइनस वन, यानी यूजर ने अगर फाइव दिया है तो फाइव माइनस वन फोर, फोर अगर यहाँ हमारे पास चार ही वैल्यूज हैं, यूजर ने थ्री दिया है तो थ्री माइनस वन टू, तो कर्सर हमारा पहले वन पे था और कहाँ तक जाएगा, टू तक, ठीक है। तो वन से थ्री माइनस वन टू, टू तक चलेगा, और पहली दफा में क्या होगा, चेक होगा इफ टेम्प जो जिसमें हमने ये हेड रखा है इज नॉट इक्वल टू नन, या अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, यानी कोई वैल्यू है, तब क्या करो, टेम्प के अंदर टेम्प डॉट नेक्स्ट करो, यानी कर्सर को यहाँ से यहाँ ले आओ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और कब तक करते रहो, जब तक ये पोजीशन माइनस वन, यानी अगर यूजर ने कहा क्या दी हुई है, पोजीशन थ्री दी हुई है, तो थ्री माइनस वन टू, टू पर आकर रुक जाएगा, टू पर आके रुक जाएगा, तो अब कर्सर हमारा कौन से इंडेक्स पे होगा, टू इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे होगा, तो अब ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आएगा और उसके बाद ये दोबारा चेक करेगा इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नन, यानी जो अब यूजर के पास टेम्प कर्सर है हमारे पास जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये एम्प्टी नहीं है, एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, यानी इसका नेक्स्ट भी अगर एम्प्टी नहीं है, ये दोनों चीजें लाजमी जरूरी है, ठीक है। तो क्या करो, नोट टू डिलीट जो वेरिएबल हमने नन रखा था उसमें क्या रख दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी टेम्प हमारा टेन पे खड़ा हुआ है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, ट्वेंटी वाली नोट, तो इसको आप कहाँ पर स्टोर कर दें, नोट टू डिलीट के अंदर, और नोट टू डिलीट को हमने यहाँ क्या कर दिया है, नन, तो वो डिलीट हो जाएगी। और इस वैल्यू को अब हमें पीछे लेके आना है ना वन को, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लाइन की हुई है कि टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यानी टेम्प डॉट नेक्स्ट किसके बराबर हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के, यानी टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट जो है ये वन वैल्यू, ये पीछे आ जाएगी एक दफा इस लाइन से, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ये भी जब आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको समझ अच्छी तरीके से और आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ ये दो कंडीशंस चेक होंगी कि भाई अगर तो वो फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है तो भाई आप क्या कर दें, ये देखें फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है तो फर्स्ट पोजीशन यानी हेड से डिलीट कर दें, नहीं अगर फर्स्ट की बात नहीं हो रही तो जाहिर है आगे किसी नोड की बात हो रही होगी, तो एल्स ब्लॉक में आके ये पोजीशन तक पॉइंटर को लेके जाएगा ये आपके पास लूप, और वहां जाकर ये नोड को डिलीट कर देगा। दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, अगर दो लाइंस में देखो, एक तो नोड टू डिलीट में जो हमने टेम्प का नेक्स्ट रखा था, नोड टू डिलीट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, उसको हमने नन कर दिया यानी कि डिलीट कर दिया, और टेम्प डॉट नेक्स्ट जो था वो हमने बराबर कर दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के, यानी कि इस वैल्यू को एक दफा पीछे दे, क्योंकि ये 20 तो रिमूव हो गई है ना, बस
अगर तो ये भी नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं, एल्स प्रिंट द नोड इज ऑलरेडी नल, ठीक है। बाकी वही डिस्प्ले हमने करवाया हुआ है कि अब हमारी लिस्ट क्या है बची है वो प्रिंट करवाने का, हमने वही पुराना वाला फंक्शन जो अभी यूज किया था वो किया हुआ है। अच्छा, इसको ज़रा अगर हम एग्जीक्यूट करें तो आप देखो यहाँ पर क्या काम हो रहा है। मैंने पहले तो पुश बैक के थ्रू तीनों वैल्यूज पुश करवा दी, 10, 20 और 30, और प्रिंट करवाया तो ये पहली वाली लिस्ट, द लिस्ट कंटेन्स 10, 20, 30, वन इंडेक्स पे 10 है, 2 पे 20, 3 पे 30, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉप ऐड का फंक्शन बनाया था ना यहाँ पर, पॉप ऐड, और यहाँ पर क्या चीज पास हो रही थी, पोजीशन, यानी किस पोजीशन से आपने वैल्यू को डिलीट करना। तो अब हम बस वन पोजीशन है, 2 है, 3 है, तो पॉप ऐड में मैंने क्या दे दिया है, 2। पॉप ऐड में मैंने पैरामीटर क्या पास करवाया है, पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यू पास करवाई है, 2। यानी कि 2 कौन सा इंडेक्स है 10, 20, 30 में से, ये 2, 20 वाला है, ठीक है। जब इसको डिलीट करेंगे और दोबारा प्रिंट करेंगे तो आप देखें 10 और 30 रह गया और 20 हमारे पास रिमूव हो गया। फिर हमने दोबारा पॉप ऐड किया, पॉप ऐड 1, तो इस 10 और 30 में से वन इंडेक्स कौन सा है, वन एलिमेंट कौन सा है, 10, तो 10 भी पॉप हो गया, यानी कि रिमूव हो गया, दोबारा आपने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से ड्राई रन करके दोबारा भी देख लीजिएगा, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बस यही 3-4 इसके अंदर एग्जाम्पल रन हो रही थी आपकी पूरी लैब के अंदर। हाँ सर, ये भी शेयर करते हैं, ये भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको देखें अच्छी तरीके से। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि अभी हमने जो 4 एग्जाम्पल्स की हैं वो क्या हैं। पहली चीज तो हमने क्या देखी है, आप किस तरीके से एक नोड की क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक क्लास नोड बनाई है जिसके अंदर आपके पास डेटा पास हो रहा है, ठीक है, और डेटा का नेक्स्ट भी पास हो रहा है, सही है, ठीक है। यानी ये हेड के अंदर 5 डेटा है और डेटा का नेक्स्ट यानी पॉइंटर जो यहाँ पर वैल्यू है वो नेक्स्ट यहाँ पर पास हो रही है, ठीक है। इनिशियली वो हमने नन रख दिया। सेकेंड, हमने एक पूरी क्लास बनाई है लिंक लिस्ट की जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इस पूरी क्लास के अंदर क्या है हमारे पास, क्लास में हमारे पास 2 फंक्शन हैं, ठीक है। कौन से 2 फंक्शन हैं, सॉरी यहाँ तक नहीं, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पूरी एंड यहाँ तक जा रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं। 3 फंक्शन कौन से हैं, एक पुश बैक का है, यानी जो एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट आपके पास लास्ट एलिमेंट के ऊपर आपके पास एलिमेंट को ऐड करवाती है, ठीक है। एक वैल्यू को पुश करवाने का तरीका हमने क्या देखा है, पुश ऐड, यानी कि एक डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर अगर आप चाहें कि आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट करवा सकें, अपनी नोड को इंसर्ट करा सकें, तो उसके लिए ये डेफिनेशन पुश ऐड का फंक्शन है जिसमें 2 चीजें पास हो रही हैं, आपकी वैल्यू भी और पोजीशन भी, ठीक है। यानी न्यू एलिमेंट क्या है, नोड है पूरी, तो वो नोड भी पास हो रही है और उसकी पोजीशन भी कि किस पोजीशन पे करवाना। तीसरा फंक्शन हमने हमारी लिस्ट को किस तरह प्रिंट करवाना है, जो करंट लिस्ट है वो हमने देखा कि हम किस तरह करते हैं, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम को प्रिंट करा देगी यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। और बाकी आप किस तरीके से इसका ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिंक लिस्ट आपकी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया माई लिस्ट, और माई लिस्ट के अंदर डॉट करके आप माई लिस्ट डॉट उसके कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी कि पुश बैक, प्रिंट लिस्ट, पुश एट, बस उसके अंदर उसके आप पैरामीटर्स की जगह पर उसकी वैल्यूज को असाइन कर दें तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। फिर सेकेंडली हमने डिलीट का ऑप्शन देखा कि डिलीट हम जब करते हैं तो फ्रॉम अ गिवन पोजिशन आप किस तरीके से डिलीट करते हैं, ठीक है। अगर आप और जब फ्रॉम अ गिवन पोजिशन करेंगे तो आपके पास क्या चीज पास होगी, एक ही वैल्यू, यानी कि एक ही वेरिएबल जो कि है पोजिशन। आपको एलिमेंट का एलिमेंट है क्या वो बताने की जरूरत नहीं है कि वो 1, 2, 4 है, ABC है, ये जो भी है, आपको सिर्फ उसकी पोजीशन बतानी है कि 5th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको उड़ा दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये हमने करके देखा है। इसको भी इसी तरीके से आप माई लिस्ट डॉट पॉप एट और वेरिएबल 1 देंगे, ये वैल्यू 1 देंगे तो वैल्यू 1
वन जो है वो भी डिलीट हो जाएगी। तो ये आप लोग सारी परफॉर्म करके देखें। अब इसके अंदर मैं आप लोग को वैसे जो लैब टास्क हैं वो तो थोड़े से मैनुअल के अंदर डिफिकल्ट हैं, लेकिन मैंने आप लोगों का ये मैनुअल अपलोड कर दिया है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे लैब सिक्स टास्क के नाम से, ठीक है, लैब सिक्स टास्क के नाम से LMS पे अपलोडेड है, ठीक है। मैं अभी का आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं आज का पूरा दिन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। रात 12 बजे से पहले पहले ये आप टास्क अपलोड कर दें। वैसे तो मैनुअल में 3 टास्क थे, लेकिन मैंने आपको 2 टास्क दे दिए हैं और बिल्कुल सिंपल टास्क हैं। क्या है वो टास्क? पहला टास्क तो आपके पास बिल्कुल ईजी है, जो अभी हमने समझने कर भी लिया एक तरीके से। अगर आप लोगों ने लैब ध्यान से देखी है तो क्या है वो, राइट अ पाइथन कोड फॉर डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम द हेड यूजिंग लिंगलिस्ट। तो कर लेंगे ना ये, कि जो डिलीशन वाला अभी हमने कोड किया है वो डिलीशन हमने किस तरह किया है, फ्रॉम अ गिवन पोजिशन, है ना। अगर हम डिलीट करना चाहें नोड यूजिंग हेड, यानी कि जब भी डिलीट चले हमारे पास तो उस वो सिर्फ क्या हो, उसमें से हेड की वैल्यू डिलीट हो जाए, कोई गिवन पोजीशन ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपने कोड लिखना है, वैसे तो समझ लें कोड लिखा हुआ है, थोड़ी सी सिर्फ उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट एंड इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यू। लिंक्ड लिस्ट का आपके पास कोड है मौजूद, वो आपने लिखना है, ठीक है, सिंपल, और उसमें ये वैल्यूज इंसर्ट करवा के पहले तो दिखानी, ठीक है, 50, 38, ये सारी वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, उस लिंक्ड लिस्ट के ऊपर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना है, कोई सा भी, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जो आपने, ठीक है। वो क्या करेगा, इन तमाम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद आपने उस लिस्ट को प्रिंट करवा देना। डिलीशन क्रिएशन पर पूरी लिस्ट डिलीट करवानी है? नहीं, पूरी लिस्ट डिलीट नहीं करानी, आपने सिर्फ ऐसा कोड लिखना है पहले टास्क के अंदर कि जो क्या कर रहा हो, जब भी आप ये देखें ये डिलीट का फंक्शन कॉल करें ना, यानी कि माई लिस्ट पॉप ऐड करें, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल पास ना हो, कोई भी वैल्यू पास ना हो, तो ये एक दफा लिखने से क्या हो कि आपका जो हेड है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, हेड पे जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाए, फर्स्ट इंडेक्स पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डिलीट नोड फ्रॉम दी हेड यूजिंग लिंक। दूसरी दफा हम एक और दफा इसको लिखें, माई लिस्ट पॉप एट, तो क्या हो, सेकेंड जो आपके पास अब हेड का नेक्स्ट जो था, जो हेड बन गया था वो भी डिलीट हो जाए। तो इस तरह जितने एलिमेंट्स हैं, अगर 10 एलिमेंट्स हैं और मैं 10 दफा पॉप एट करूंगा तो 10 के 10 एलिमेंट डिलीट हो जाए, ठीक है। मैं एलिमेंट पे अपलोड कर दूंगा, फिर रिकॉर्डिंग कोई मसला नहीं है, और ठीक है। और ये सेकंड टास्क में आपने क्या करना है, बस ये सिंपल वही कोड आपने रन करना है जो कि आपको इंसर्शन के लिए गिवेन है, ठीक है, इंसर्ट, कौन सा भाई ये पुश बैक वाला आपने कोड रन करना है, और इसके थ्रू आपने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज अपने लिंक लिस्ट के अंदर पुश करवा देनी है, और कोई सा भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के आपने उस अपनी लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर लेना है, और बाकी वापस वैल्यूज को प्रिंट करा देना है। प्रिंट का फंक्शन भी आपके पास मौजूद है। तो सिंपल से टास्क है, ये 2 टास्क आप लोगों ने करने हैं। टाइम भी मैं आपको 1-1.5 घंटे का नहीं, आज का पूरा दिन दे रहा हूँ। रात 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने इसकी एक वर्ड फाइल बना के स्क्रीनशॉट के साथ अपलोड कर देनी है यहीं LMS के ऊपर, और जब नेक्स्ट लैब में आप लोग आएंगे तो वो आपने प्रिंट करा के लाना है, ठीक है। ये देख लें आपके पास 12 घंटे हैं, आराम से इसको आप लोग सॉल्व करें, 2 टास्क हैं सिंपल से, ठीक है। पुश नहीं, जरूरी नहीं है पुश बैक के थ्रू करवाएं आप, तो ये तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ कि आप पुश बैक के थ्रू भी करवा सकते हैं, जैद आप चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पुश ऐड के थ्रू भी कर सकते हैं, हाँ आप चाहें तो क्लास लीव कर दें, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई थी, ठीक है, और ये आप लोगों की आज की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, बाकी हम नेक्स्ट लेवल में मिलते हैं। मैनुअल वाली एग्जाम्पल नहीं कर सकते, जब आप लोगों को मैंने, क्योंकि वो तो आप लोग पूरी पूरी कॉपी कर लेंगे ना, जो मैंने आप लोगों को क्लास में समझाई है अभी एग्जाम्पल, और शेयर भी कर दी है, इसको आपने इसी के अंदर चेंजिंग करनी है, ठीक है। मैनुअल वाली तो आपसे की रन भी नहीं होगी, एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको पूरी
एक्स्ट्रा एग्जांपल पूरी करके बताइए। हाँ मैं डिलीट वाली भी अपलोड कर देता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा यही जो मैं ये लिंक्ड लिस्ट डॉट पाई की फाइल शेयर कर रहा हूँ ना, इसी के अंदर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड वाला जो ये सेल है ना, इसके अंदर ये डिलीशन भी गिवन है, ठीक है? तो ये भी आप लोग चेक कर लें। बाकी अगर आप चाहें तो आप लैब को लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्यूरी या क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वैसे तो ये आपके पास लैब DSC Lab 6 भी अपलोडेड है, और इसी के सबसे एंड में देखेंगे तो आपके पास टास्क गिवन है। ठीक है,